हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट हेडिंग इज वर्ड बिल्डिंग. फर्स्ट पॉइंट इज कलर द बॉक्सेस दैट हैव राइमिंग वर्ड्स. नीचे बॉक्स दिए हुए हैं. पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है? सिटी, कार्ट, हीट, स्ट्रीट, ब्लोज, गोज, डू, गो. अब आपको देखो, देखने से ही पता चल रहा है कि क्या कौन से राइमिंग वर्ड होंगे. देखो, सिटी और कार्ट में राइमिंग नहीं है, ठीक है. और नेक्स्ट में देखो, हीट, स्ट्रीट, यस, इट इज राइमिंग वर्ड. सो इसको कलर करना है आपको, ठीक है. कोई भी कलर आप यूज कर सकते हैं, इसको कलर करना है ऐसे, ठीक है. नेक्स्ट देखो, ब्लोज, गोज, यस, इट इज ऑल्सो राइमिंग वर्ड, सो कलर इट ऑल्सो. डू और गो राइमिंग वर्ड नहीं है. स्पेलिंग में लास्ट में हमें लग रहा है कि डू और गो राइमिंग होंगे, लेकिन ये राइमिंग वर्ड नहीं है. डू को हम डू बोलते हैं, जियो को हम गो बोलते हैं. गू नहीं बोलते, गो बोलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट लाइन में आ जाइए, हार्ड यार्ड, यस, इट इज राइमिंग वर्ड. नेक्स्ट, बाउल, डोल, नो, इट इज नॉट राइमिंग वर्ड. हार्ड और यार्ड को कर दीजिए कलर. नेक्स्ट, काओ, अच्छा, बाउल, डोल नहीं है, राइमिंग में नहीं है. काओ, शो, ये भी राइमिंग नहीं है. नेक्स्ट, लेबल, टेबल, यस, इट इज राइमिंग वर्ड. दीज आर राइमिंग वर्ड्स, सो कलर इट. नेक्स्ट, स्काई, माई, यस, इट इज राइमिंग, कलर इट. नेक्स्ट, प्ले, ओबे, यस, इट इज ऑल्सो, दीज वर्ड्स आर ऑल्सो राइमिंग वर्ड्स, सो कलर दिस बुक्स ऑल्सो. रेस, फेस, यस, दीज वर्ड्स आर ऑल्सो राइमिंग वर्ड्स, सो कलर दिस बुक्स. राइट, माइट, यस, दीज आर ऑल्सो राइमिंग वर्ड्स, सो राइट एंड माइट को भी हमें कलर करना है, ठीक है. इस तरह से आपको कलर करना है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब इन द पोयम. कि जो नीचे दिए गए वर्ड हैं वो पोयम में किस चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसकी बारे में बता रहे हैं, किसकी विशेषता बता रहे हैं. अब देखिए, जॉयफुल, जॉयफुल क्या थी? साइट, जो नजारा था, मतलब देखने लायक था, वो कौन सा था? जो हम आइसक्रीम मैन को देख रहे थे, वो आइसक्रीम कौन भर रहा था, वो जॉयफुल साइट थी, ठीक है. जॉयफुल क्या थी? वो साइट थी. तो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? जॉयफुल साइट को. ये डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं, जिसको हम एडजेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है. अब ये जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है जॉयफुल, लिटिल कार्ट, कार्ट की विशेषता बता रहा है. ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? कार्ट को डिस्क्राइब कर रहा है लिटिल, ठीक है. तो कार्ट आएगा आंसर. राउंड, राउंड क्या था? अम्ब्रेला, ठीक है. तो अम्ब्रेला की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये राउंड एक एडजेक्टिव है, यानी कि एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, इसलिए अम्ब्रेला लिखेंगे आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज्ड इन द पोयम फॉर द फॉलोइंग. कि कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज हुए हैं पोयम में, जो नीचे दिए गए वर्ड्स हैं उनके लिए. जैसे माउंट्स दिया है, और माउंट से पहले फिल इन द ब्लैंक दिया गया बुक में, ठीक है. अब माउंट्स मतलब ढेर, ठीक है. किस चीज का ढेर भर रहा था? वो आइसक्रीम का. और वो आइसक्रीम कैसी थी, उसकी विशेषता बतानी है. डिस्क्राइबिंग वर्ड का मतलब एडजेक्टिव, अब उसकी विशेषता बतानी है. कैसी थी वो? कूलिंग, ब्राउन एंड वाइटी, वाइट कि कूल, ठंडी है, ब्राउन कलर की है और वाइट कलर की है. उनके ढेर भर रहा है वो, तो उसकी विशेषता बताइए, आइसक्रीम की विशेषता बताइए ये, ठीक है. अब नेक्स्ट है फ्लेवर. फ्लेवर कौन कौन से थे? आपने आइसक्रीम मैन में पढ़ा था, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, ये उसके फ्लेवर थे, ठीक है. सो आंसर यहाँ पे आपको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक में, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी. नेक्स्ट है क्लस्टर. किस चीज का क्लस्टर? बच्चों का क्लस्टर. थिक क्लस्टर था वो, थिक, थिक मीन्स घना, बहुत ज्यादा, ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग इज फन टाइम. अब फन टाइम में आपको करना क्या है? कलर द बॉक्सेस विद द कलर्स ऑफ द फ्लेवर्स मेंशनड इन ईच, ठीक है. अब क्या कह रहे हैं कि जो बॉक्स दिए हुए है ना, अब उनको आइसक्रीम के फ्लेवर्स के हिसाब से आपको कलर करना है. जैसे अगर आइसक्रीम चॉकलेट है तो उसको कैसा कलर करना है? चॉकलेट कैसे, चॉकलेट आइसक्रीम कैसे कलर की होती है? थोड़े डार्क ब्राउन कलर की होती है, तो ब्राउन कलर करना है.
वनीला आइसक्रीम आपको पता है थोड़ी येलो और क्रीमी शेड होती है उसकी, ठीक है, इस तरह से आपको कलर करना है, ऑरेंज कलर करना है ऑरेंज वाली को, ब्लैक करंट को ब्लैक, थोड़ा लाइट कलर करना है लेकिन ब्लैक पूरा ही ढकमक देना है इसको, ठीक है, इस तरह से आपको कलर करना है। सभी आइसक्रीम्स को उनके फ्लेवर के अकॉर्डिंग कलर करना है। स्ट्रॉबेरी रेड कलर की होती है, रसबेरी भी थोड़ी लाइट रेड कलर की होती है, इस तरह से आपको सबको कलर करना है, जो जो कलर आइसक्रीम्स की होते हैं उसके हिसाब से।